लो जी, आज सुबह सुबह उठा मैं तो सबसे पहले तो चिड़ियों की आवाज ने मेरा मन ही मोह लिया। मैं बड़ा खुश हुआ, मैं कहा यार इतनी प्यारी आवाज, मैं कहा आज नहा धो लेते हैं। वैसे मैं कम ही नहाता हूँ ना। नहाने धोने के बाद मैं जब कमरे में आया, रूम में आया, तो सबसे पहले टेलीफोन की बेल बजनी स्टार्ट होगी। हेलो, हेलो। हाँ जी, डोलू जी से बात करनी थी। नहीं जी, मैं तो पोलू जी बोल रहा हूँ। मैंने तो डोलू जी से बात करनी है। क्यों, पोलू जी को क्या हुआ? आप वैसे एक बात पूछूँ आपसे? मैंने कहा जी दो पूछो। आपकी गर्लफ्रेंड है जी? नहीं जी, मेरी तो नहीं है। आपका बॉयफ्रेंड है? ना जी, मेरा भी नहीं है। तो क्यों ना आपस में टाका फट कर ले। मैं तो रेडी हूँ जी, आप कोई प्रॉब्लम ना है। मगर नहीं, प्रॉब्लम नहीं आती, आप मेरे पापा से बात कर लो। जी कर लेते हैं। उसके पापा से बात की, उसके पापा मान गए, उसके पापा ने मेरे पापा से बात की, रिश्ता पक्का हो गया। लो जी, अगले दिन सुबह ही हम बरात लेकर निकल गए। बरात लेकर निकले तो जब मैं घोड़ी पर बैठा, सबसे पहले तो घोड़ी ने छींक मार दी। मैं कहा ये क्या हुआ यार? मैं कहा पापा ये देखो घोड़ी ने क्या किया। पापा बोलने लगे कुछ नहीं होता बेटा, अब शगुन आजकल की दुनिया में कुछ नहीं होता। मैं कहा ठीक है। मैं बैठा रहा, थोड़ा आगे गए बरात लेकर, अभी निकले ही थे, बिल्ली आ गई। दो बिल्लियां इकट्ठियां आ गई। दोनों बिल्लियों को पता नहीं क्या हुआ, आपस में उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया। मैं कहा पापा ये देखो अब शुगुन हो गया। मैं कहा अगर एक बिल्ली रास्ता काट दे तो मैं कहा दिन खराब हो जाता है। मैं कहा ये दो दो बिल्लियां रास्ता काट गई, मैं कहा अब क्या होगा? और दो से कुछ नहीं होता बेटा, बैठे रहो कोई बात नहीं। मैं कहा ठीक है। हम थोड़ा आगे गए तो बाजे बजने स्टार्ट हो गए, बैंड बजना स्टार्ट हो गया। मैं बड़ा खुश था। मैं वहां जब बारात में पहुंचे तो मुझे बड़ी सी रेड कलर की लाल रंग की चेयर पर बिठाया गया। जब ही बैठा उसी टाइम लाइट चली गई, उन्होंने जनरेटर स्टार्ट किया। जनरेटर स्टार्ट हुआ और ऑर्केस्ट्रा वाले ने अपना अपना काम स्टार्ट कर दिया। वो नाच रहे थे और म्यूजिक बज रहा था। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं कहा इतनी, मैं कहा कितना मतलब अच्छा है, मैं कहा सीन है। थोड़ी देर बाद हमारी शादी हो गई। शादी हुई और हम गाड़ी में बैठे, विदाई वाला बाजा बजना स्टार्ट हो गया। खुश हो गया। मैं कहा मेरी तो शादी है, मैं क्यों रो। थोड़ी आगे गई बारात, हमारे घर पे पहुंच गई। हम पहले दिन ही हनीमून पर चले गए। लो जी, वहां दो तीन दिन रहे। दो तीन दिन के बाद हम वापस आ गए, हेलीकॉप्टर में आए। वापस आए, उसने दो तीन दिन में ही अपने रंग बदल लिए। पता नहीं उसे क्या हुआ। मुझे बोलने लगी सुबह सुबह उठकर, चलो कहती बर्तन धो। मैं हैरान हो गया। मैं कहा ये क्या वो कहने लगी। मैं फिर भी मतलब उसे थोड़ी देर बाद उल्टियां आ गई। उल्टियां, मैंने कहा क्या हुआ? बोलने की कुछ नहीं। मैंने कहा हुआ क्या बता तो सही। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल लेकर गया तो वहां पर अंदर मैंने देखा कि बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी। मैं कहा ये क्या होगा? डॉक्टर ने भी कह दिया कि हाँ भी तीली साहब आपके घर में बच्चा हुआ है। मैं कहा ठीक है जी। घर गए और मैं बड़ा हैरान था। मैं कहा ये 3 महीने में बच्चा हो कैसे गया? मैंने उसे पूछ लिया। मैं कहा ये 3 महीने हुए और बच्चा, मैं कहा कैसे हो गया? आपका दिमाग ही नहीं है। मैं कहा क्यों? मैं कहा इसमें दिमाग वाली कौन सी बात हुई? देखो आपकी शादी को कितने महीने हुए? मैं कहा 3 महीने। मेरी शादी को कितने महीने हुए? मैं कहा 3 महीने। हम दोनों की शादी को कितने महीने हुए? मैं कहा 3 महीने। कितने महीने हो गए? 3 3 6 3। अरे 3 9 महीने का टाइम का पता ही नहीं लगा।